पांच गोली एक इंजेक्शन वर्कआउट से पहले, पांच गोली एक इंजेक्शन वर्कआउट के बाद, और एक वीक के अंदर बॉडी तैयार। अगर आपका ट्रेनर सेम इसी तरह से आपको टैबलेट और इंजेक्शन दे रहा है तो वह खुद को डॉक्टर और आपको पेशेंट बनाने पर लगा हुआ है। पर कभी भी इस तरह से नेचुरल बॉडी नहीं बनती है। आज मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप एक कमांडो की तरह लाइफ टाइम के लिए नेचुरल और स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप लोग दोनों टाइम अच्छे से वर्कआउट करते हो और हेल्थी और नेचुरल डाइट फॉलो करते हो, उसके बावजूद भी आपकी बॉडी नहीं बनती है, तो यहाँ पर एक नेचुरल और स्ट्रॉन्ग बॉडी बनाने के लिए आज मैं आपको बताता हूँ सात नियम जिनको खुद कमांडो भी फॉलो करते हैं। सबसे पहला नियम, शरीर के हर रग पट्टे को बराबर वर्जिश देना। जब भी आप वर्कआउट करते हो, सिर से लेकर के पैरों तक पूरे वीक के अंदर आपको हर बॉडी पार्ट को बराबर वर्जिश देना है। नंबर दो, दर्जा बाई दर्जा प्रोग्रेस करना। यानी जब भी आप वर्कआउट करते हो, अगर आज आपने 10 पुशअप लगाई है तो आप 11, 12, 13 ऐसे करके हर दिन अपने वर्कआउट को प्रोग्रेस कर सकते हो। ये नहीं कि आज आप ग्राउंड के अंदर आए हो, आज ही आपका पहला दिन है, आज ही आपने 100 पुशअप लगा दिया हो और नेक्स्ट डे से आप उसको बंद कर दें, तो इस तरह से वर्कआउट ना करें। तीसरा नियम, व्यायाम को लगातार जारी रखना। अगर आप दिन के अंदर एक टाइम वर्कआउट करते हो तो आप सप्ताह में एक दिन रेस्ट कर सकते हो। अगर आप दिन के अंदर दो टाइम वर्कआउट करते हो तो आप सप्ताह के अंदर एक फुल डे और एक हाफ डे रेस्ट कर सकते हो। अगर इसके अलावा आप ज़्यादा रेस्ट करते हो तो आप कभी भी नेचुरल और स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं बना पाओगे। चौथा नियम, सख्त काम सख्त आराम। अगर आप एक हार्ड वर्कआउट करते हो तो आपका रेस्ट भी उसी हिसाब से होना चाहिए। पाँचवा नियम, गहरी नींद। जब भी आप अपने बेड के ऊपर रेस्ट करने जाते हो और 7-8 घंटे की नींद लेते हो, तो वो 7-8 घंटे की नींद आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपकी जो रात है वो 5 मिनट के अंदर फिनिश हो गई है। छठा नियम, मनोरंजन के अच्छे साधन। जब भी आप मनोरंजन करते हो तो ऐसे साधनों से मनोरंजन करें जिससे आप फुल ठाका लगा करके इस तरह से हंस सकते हो। ऐसा हंसने से, ऐसा करने से आपका मन खुश होगा और आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी। सातवां नियम है, सब्र और संतोष, यानी कि पेशेंस, जो कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है। दोस्तों, अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप एक कमांडो की तरह नेचुरल और स्ट्रॉन्ग बॉडी बना सकते हो। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप इसी तरह से एक वीक के अंदर बॉडी बनाने की सोचते रहोगे और लोग आपका फ़ायदा उठाते रहेंगे। इसी तरह से वो आपके ऊपर टैबलेट और इंजेक्शनों का इस्तेमाल करते रहेंगे और आपका समय, पैसा और तीनों ही चीज़ों को बर्बाद करते रहेंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों से दूर रहो और बच के रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।